दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई। मामला बालाघाट जिले के लांची क्षेत्र के डूटी बांध का है, जहां 8 युवक लामता क्षेत्र के डूटी डैम घूमने आए थे और यहां घूमते समय एक युवक का पैर फिसलने से बांध में गिर गया। उसे बचाने का प्रयास किया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद लामता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डूबे युवक को खोजने का प्रयास किया गया लेकिन शाम तक उसका पता नहीं चल सका। वहीं दूसरे दिन पुलिस की टीम ने बांध के समीप मृतक का शव गहरे पानी में दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों और मछुआरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, परिजनों को सौंपा गया। हम लोग ड्यूटी टाइम घूमने आए थे, हम लोग 8 लोग आए थे। हमारा एक दोस्त, क्या नाम था उनका? कमलेश चौधरी नाम है उनका। वो यहाँ घूमते घूमते उनका पैर फिसला पत्थर से और जाके पानी में गिर गया। तो उसको बचाने का प्रयास किया क्या? आपको बचाने के लिए गया था, सब वो डूब गया, अंदर जा चुका था। तो आपने किसी के लिए सहायता मांगे कि पुलिस प्रशासन वगैरह से? आपने हम लोग प्रशासन से सहायता मांगे। ये ग्राम परसोड़ी है, थाना लांजी के अंतर्गत आता है। वहाँ से ये लोग सब फोर व्हीलर टू व्हीलर के मैकेनिक थे, 7-8 लोग थे। 8 व्यक्ति आए थे कल पिकनिक मनाने ढूटी डैम। एक फोर व्हीलर स्कॉर्पियो से आए हुए थे और उनका एक साथी अचानक वो पानी या डैम को देख रहा था, वो जिसका पैर अचानक फिसल गया और फिसलने से वो पत्थर से टकराते हुए पानी के डैम में गिर गया। गिरने से डूब गया था, जिसकी सूचना कल 100 डायल के माध्यम से हमको मिली थी, जिसको काफ़ी प्रयास किए तलाशे और जिसकी डेड बॉडी आज हमें सुबह करीबन वही 7 बजे तकरीबन वही नदी में मिली है।